हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आनंद और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज आप मैं आपको नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि CSIR की ओर से जारी किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट आया वो 11 तारीख को आया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 से स्टार्ट हो चुके हैं, 11 अगस्त से, ठीक है। इसका लास्ट डेट जो है वो 13/9 तक है, ठीक है फ्रेंड। 13 अक्टूबर तक ये अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोस्ट है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें जो पहला पोस्ट है वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, ठीक है। 7 पोस्ट है इसमें। जनरल के लिए 4 है, OBC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, ठीक है। और देखिए, जो इसमें जो मिलेगा आपको सैलरी वो 19,000 से लेकर के 63,000 तक मिलने वाला है। प्लस में आपको 28,000 आपका HRA और अदर अलाउंस मिलेगा, ठीक है। इसमें और भी पोस्ट हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट्स के लिए है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के लिए, ठीक है। सबका पेमेंट सेम ही है आपका, 19,000 से लेकर के 63,000 तक आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या स्किल इसकी रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। तो आपके पास 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा वो कंप्यूटर पे लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास MS ऑफिस वगैरह की क्वालिफिकेशन है तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी चल जाएगा, क्योंकि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसका मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका है फ्रेंड, ये सभी के लिए, ठीक है। आप क्वालिफिकेशन इसमें देख सकते हैं, जितने ही पोस्ट सभी की लगभग लगभग क्वालिफिकेशन यही है, ठीक है। अब लोकेशन कहाँ रहेगा आपका, तो लोकेशन सब में जनरली फ्रेंड देखिए, भाई गोवा है, कोची है, मुंबई है, विशाखापट्टनम, ये यहाँ पे आपको रखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन आपका आपको लिया जाएगा, आपका देखिए क्या क्या है इसमें। तो आपका देखिए 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, 200 क्वेश्चन होंगे, आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है। मेंटल एबिलिटी 100 क्वेश्चन, देखिए मैं देखिए क्या क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 200, ठीक है। और निगेटिव मार्क इसमें नहीं है, ठीक है फ्रेंड। सबसे अच्छी बात है कि इसमें निगेटिव मार्क बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ किस में देखिए तो सिर्फ मेंटल एबिलिटी में, ठीक है। और देखिए जनरल अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम 150 मार्क का रहेगा, 1 निगेटिव मार्क होगा, अभी रहूँगा आंसर के लिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपका 1 निगेटिव मार्क है, ठीक है। देखिए मेंटल एबिलिटी में आपका निगेटिव मार्क ही नहीं है, बाकी में निगेटिव मार्क ही है इसका आपका, ठीक ठीक है। तो इसमें देखिए बेनिफिट क्या क्या बोल रहे, तो इसमें कुछ बेनिफिट नहीं, इसमें आपको HRA TA DA जो जनरली मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पर या फिर किसी भी जॉब पर, वो आपको मिलेगा। अगर आपको एज में भी छूट चाहिए तो आपको ST SC OBC का कैंडिडेट होना चाहिए, उसके बाद आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है फ्रेंड। तो ये है इसका प्रोसेस। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, www.nio.org पर जा करके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ी देखिए 100 रुपीज़ है, आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा ऑनलाइन करने के लिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है मैम। तो ये है जनरली इसका बेसिक कि क्या क्या इस पर होगा क्या नहीं है, ठीक है। तो हमारे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।